पता ही है, सुबह आज सूरजपोल थाना क्षेत्र में कुछ मंदिरों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। थाना पुलिस सूरजपोल को सुबह इतला मिली थी कि यहाँ मंदिर में जो पूजा की सामग्री है, श्रृंगार सामग्री है वगैरह, जली हुई पड़ी है और मंदिर में डिस्टर्बेंस किया हुआ है। SHO सूरजपोल, DYSP ईस्ट वगैरह के द्वारा मौका मुआयना किया गया। परिवादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इन घटनास्थलों के आसपास एक विक्षिप्त लड़का भी घूमता है, अक्सर इसका मुकाम रहता है, वहीं आसपास सोता भी है और वो बीड़ी माचिस या कुछ कागज़ वगैरह भी वहाँ जलाता है। उसको भी सुबह डिटेन किया गया था, विक्षिप्त है वो, डॉक्टरों से भी बात की गई थी, उसे भी दिन भर अनुसंधान किया गया था। पैरेलल घटना की वेरिफिकेशन के लिए और आरोपी के वेरिफिकेशन के लिए हमारी जिला स्पेशल टीम, थाना पुलिस की स्पेशल टीम और जो भी इस मामले में पारंगत है, तकनीकी विशेषज्ञ, उनको इस मामले में लगाया गया था। हमने CDR एनालिसिस, BTS डाटा और CCTV कैमरा पे फोकस किया कि आरोपी जिसको डिटेन किया है या अन्य जो भी है, क्योंकि सूरजपोल ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक प्लेस है और ये हमने काफ़ी कैमरे लगा रखे हैं, अभय कमांड की मदद से, जनसहयोग की मदद से भी लगे हुए हैं। तो इन कैमरों पे फोकस करके जब हमने ढूंढना शुरू किया, लगभग गलियों के आसपास जो रास्ते निकल रहे हैं वगैरह, लगभग 150 CCTV कैमरे हमारे इन 15-20 जो कॉन्स्टेबल्स थे, इन्होंने ढूंढे। रात को 12 से 1 बजे के बीच सूरजपोल चौराहे पे एक लड़के का मूवमेंट हमें संदिग्ध लगा। लंबे बाल थे, लंबाई भी ठीक ठाक थी और वो स्कूटी वगैरह अपना वाहन ला करके एक जगह पार्क करता है, फिर उतरता है, फिर पैदल जो घटनास्थल की गलियाँ आसपास उसमें इसका मूवमेंट होता है। रात के समय में किसी भी लड़के का 12 से 1 के बीच में बिना किसी काम के इस प्रकार घूमना भी हमें संदिग्ध लगा। इस पर हमारे टीमों ने इसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश की। हमारे पास कोई ज़्यादा आगे लाइन नहीं थी कि लड़का है कौन। पूछते पूछते हमें पता चला कि ये आकाश नाम का लड़का है जो इंदिरा नगर बीड़ा का निवासी है। इसके पिताजी सफाई कर्मी है निगम में और जब इसको डिटेन करके पूछताछ की गई तो इसे अनुसंधान के दौरान इसने बताया कि घटना इसी ने की है। जो भी घटनास्थल है, 2-3 जगह जो भी है, सारे इसने आगे चल करके अपनी तस्दीकें कराई हैं। इसने एक दिन पहले, उसी दिन कल ही रात में जो है, पेट्रोल पंप से एक बोतल में पेट्रोल लिया था। उस पेट्रोल की सहायता से उसने यहाँ पर ये आग लगाई है। माचिस वगैरह भी थी, इसके हाथ में जो निशान वगैरह वो भी है। घटना के समय जो इसने कपड़े पहन रखे, जो CCTV फुटेज मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो कपड़े भी इसके घर पे खोले हुए बरामद कर दिए हैं। इसका पिताजी का ये कहना है कि ये गांजे का नशा करता है और गलत संगत में है और इस नशे की वजह से इसकी स्थिति अभी कुछ दिनों से अजीब सी है। इसका प्रयास तो था कि जला दिया जाए, चूँकि वो प्रस्तर प्रतिमाएँ हैं तो वैसे भी नहीं करती थी, तो उसमें जो भी उसमें चीज़ ऐसी ज्वलनशील थी, जैसे माला है, कपड़ा है, कोई आसपास झाड़ू पड़ा है, कोई सूखी चीज़ पड़ी है, सूखे हुए फूल पत्ते हैं, तो वो जल गए और बाकी जगहों पे काला काला निशान हो गया और इसलिए इसने ज्वलनशील पदार्थ का भी सहायता ली, पेट्रोल लिया इसने बोतल में वगैरह में, बोतल वगैरह भी हम बरामद कर रहे हैं, स्कूटी इसके पास से मिल गई है, कपड़े मिल गए हैं। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति की ये हरकत है जिससे कि आज दिन भर ही पुलिस ने पहले की घटना जिसके घर वाले जरूर कह रहे हैं, इस प्रकार का रिकॉर्ड पे कोई नहीं आया, हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की कोई हरकत हुई भी नहीं। घर वाले जरूर कह रहे हैं कि घर पे इस प्रकार की, जैसे जूते जला देता है, कपड़े जला देता है, कल रात को झगड़ा करके निकला है, मंदिरों में जाता है। ये भी हमने पूछा कि ये मंदिर क्यों चुने, बीड़ा का निवासी है तो इसके पिताजी के सफाई कर्मी जो है उनका एरिया ये है, वो इन गलियों और कई बार उनके साथ में या वगैरह इसने भी सफाई इन एरियों में की है, तो इन गलियों के मंदिर वगैरह इसने देखे हुए, इस वजह से इन्हें इन मंदिरों का चयन किया।